कायदे आज़म मज़ाती इस्तेमाल का कमरा, ये हम लोग कितने ऑनर्ड हैं कि हम कायदे आज़म के कमरे के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये रूफ है जो पुराने ज़माने बच्चे जो हैं ईशल वलिया यूशा सकीना ये सब जो यहाँ पे शूज उतार रहे हैं। हम कायदे आज़म रेजिडेंसी पे जो रिबिल्ड की गई है वहाँ मौजूद। सांझी अपनी खुशियां। बड़ा वाले सैल्यूट होने चाहिए, बड़ा वाले सैल्यूट फौजी की तरह बड़ा। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 9 फरवरी जुमे का दिन है 2024 और हम लोग ज़ियारत में जूनिपर लॉजिज़ में हैं। बहुत अच्छी रात गुजरी और बहुत शदीद तरीन ठंडी रात गुजरी जो हमने ऐसा कराची हाइट हमने एक्सपीरियंस की। अच्छा यहाँ पे -8 तक टेम्परेचर जा रहा है आजकल। अच्छा जी ये तो जी बस यहाँ पे -8 तक टेम्परेचर जा रहा है। सॉरी किसने वाला दिखाया इनको? हाँ, वो कैमरा फ्लिप कर। ये है मिस्टर हीटर और ये बहुत, अगर ये ना होते तो हम तकरीबन इस वक्त जो है वो बिस्तर में लेटे हुए होते, वो हिम्मत नहीं होती। तो रात को -5 रहा है तकरीबन, इट वाज अराउंड लाइक 9:30 बजे तक -5 था। अर्ली मॉर्निंग या मतलब 3-4 बजे कह लें तो मेरा ख्याल है कि -8 तक गया होगा। और हम ये दिखाएं, हमने डबल डबल रजाइयाँ और ये देखिए एक रजाई दिखाएं, एक ये और दूसरी वाला। और ये समझ लें कि बहुत अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस रहा ज़ियारत में जूनिपर लॉजिस पे और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के जो एज़ फार एज़ आर अटेंडेंट्स आर कंसर्न सॉरी। और बहुत मज़ा आया। अभी मैं कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ और अभी मैं चूँकि जुम्मे का दिन है तो मैं होस्टल करने जा रहा हूँ। अच्छा आप देख रहे होंगे मैं अजीब गरीब ड्रेस पहना हूँ भाई, ये थर्मल सूट है जो अंदर पहना जाता है और इसके अंदर मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, बिलीव इट। और इसके ऊपर मोटी शर्ट पहनते हैं और फिर जैकेट। अच्छा ये मेरा ड्रेस है, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह करके यूँ करके। तो ये ट्राउज़र पहना, ट्राउज़र के नीचे भी ऐसे ही वाइट किस्म का वाइट कलर का मैंने वो पहना हुआ है, पजामा ट्राउज़र पहना हुआ है। तो ये सिलसिला है। बहरहाल ये हमारा रूम है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया, बच्चे सो रहे हैं, चीज़ें फैली हुई हैं, बस अब गुस्ल करेंगे जुम्मे के दिन नमाज पढ़ेंगे। तो दैट्स अबाउट इट। बच्चे भी यही पहने हुए हैं कि अंदर टी शर्ट ऊपर से थर्मल सूट उसके ऊपर से फिर एक और टी शर्ट उसके बाद जो है मोटा स्वेटर है वो उनके। हाँ मोटा स्वेटर है ये फातमा और इवन ये कि समझ सकते जो वो ये एसी भी 30 में चला रहे हैं, कुछ ना कुछ हीटिंग का इफेक्ट आए लेकिन काम बन नहीं रहा था इससे। तो फिर हमने जो है ना ये जो है ना मिस्टर हीटर लिया और उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। चलो भाई बच्चों उठ जाओ, नाश्ता बनने को दे दिया। हाँ वो आज थोड़ी देर नाश्ता आ जाएगा। चले जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी चाय आ चुकी है हमारी, नाश्ता भी नहीं मंगाया, सबसे पहले चाय आई है, नाश्ता बन रहा है और बच्चे अभी सो रहे हैं यहीं पे लेटे हुए। वलिया सो रही हैं और ईशल उठ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशल। वालेकुम अस्सलाम। और खुर्रम जो है वो वहाँ पे चाय पी रहे हैं। यूशा भी नहीं उठा, बस यूशा उठ जाओ, शाबाश बेटे। ये हमारी बेटी है, हालांकि ब्रश कर चुके हैं हम लोग लेकिन ये कि ठंड ऐसी शानदार है कि सर में दर्द हो रहा था तो चाय पी। क्वेटा में आके हमारा ये रूटीन बन गई है कि सुबह से हमने जब से बलूचिस्तान आए बेड पे टी ले रहे हैं। अब गुस्ल करेंगे, जुमे का दिन है, गुस्ल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, उसके बाद वापस क्वेटा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको रास्ते में क्वेटा ऑन द वे टू क्वेटा हम आपको खिलाएंगे मशहूर ज़माना कुछ लाख का रोश, दुबई होटल का रोश खिलाएंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया है, हम डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं। लेट मी शो यू, मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बेस इज़ वेरी साहब, खैरियत अलहमदुलिल्लाह,
नजीर भाई कैसे हैं आप? तबीयत सही है आपकी? ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, कम ऑन। मैं कह देता हूँ नहीं, वो अभी दोबारा रिमाइंड नहीं कराया था मैंने, ठीक है। ये हमारा स्वीट है दो कमरों का, और ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ठीक है जी। चलें, लेट्स सेट। हनी मुझे डाली डाली अच्छा जी, हम अपने रूम के टेरिस पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हम नाश्ता भी कर सकते थे, लेकिन हम अभी यूज टू नहीं थे ठंड से, ठीक है जी। ये यहाँ का जो हमारा कौमी वर्षा है, कौमी तो जूनीपर, राइट। इसी वजह से जूनीपर लॉजिज में रुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर रुके हुए। देखें बर्फ हमारे पीछे, देखें हम तो हाँ लोगों ने साफ किया ताकि हम लोग चल फिर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमारा रूम है बैक साइड पे, और मैं कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ हमारी गाड़ियों के लिए, बल्कि ऐसे दिखा देता हूँ। गाड़ी हमारे पीछे खड़ी हुई है, और बॉनफायर हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने पहाड़, ये वाले जो है, चूँकि सन को डायरेक्ट ये लंबे टाइम के लिए फेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ नहीं दिखाई देती है, जो कि वेयर एज हमारे जो ये वाले माउंटेन्स कह लें, हिल्स कह लें, ये जो है ये स्नो है इसके ऊपर, ये इसी वजह से यहाँ भी स्नो। ये देखिए ये ज़रूरी तो नहीं है सामने वाले पहाड़ जो है ज़्यारत के हम करीब के हम हमारा, ये देखिए स्नो नज़र आ रही है आपको ना। तो ये गाड़ियाँ खड़ी है हमारी, और गाड़ी मैंने सुबह ही गर्म कर ली थी। वो हमारा जो है बॉनफायर एरिया है, जहाँ बच्चों ने छोटा सा स्नोमैन मैन बनाया था, तो वहाँ पर भी चलेंगे अभी। चलें, तो ये हमारा टेरेस था जैसे मैंने बताया, और हमारा प्रोग्राम तक यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करने का। लेकिन भाई सर्दी है, मुझे मालूम नहीं कि इस पर सर्दी 5 या 6 है, इतने से कम तो नहीं होगी, ले है सर्दी, कोयटा से ज़्यादा सर्दी है। कोयटा से यानी हम कोयटा में जैकेट्स। रूम में दोबारा एंटर होते हैं। हम लोग यहाँ जूनिपर लॉजी से निकल रहे हैं, गाड़ी तैयार खड़ी है। हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो कोई चीज़ भूल गए हैं तो लेने गए पीछे, तो पीछे लॉजिस थे, और ये है बहुत अच्छी सराउंडिंग्स हैं फैमिली वालों के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। ये बहुत सिक्योर्ड एरिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है। एंड वी फेल्ट कम्प्लीटली सेफ ओवर हियर इन ज़ियारत इन बलूचिस्तान, तो बहुत अच्छी जगह है ये माशाल्लाह। तो जी हम निकल रहे हैं अपने होटल से, और अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह कायदे आज़म रेजिडेंसी, उसके बाद हम जाएंगे जीरो पॉइंट। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ है। अच्छा सुना यही है कि जीरो पॉइंट पे इससे ज़्यादा बर्फ़ होगी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया यहाँ बच्चों ने। वो देखो यूशा यहाँ के डॉग्स वगैरह कैसे होते हैं, इतने बाल होते हैं ना उनके ऊपर, क्योंकि वेदर के लिहाज से बनाए जाते हैं। तो ये इलाका ऐसा है ना बलिया, यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी कि हमको ये डर नहीं था कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना। पार्किंग मोड में चेक करो गाड़ी, पार्किंग मोड में। तो जनाब हम लोग उतरे हैं कायदे आज़म रेजिडेंसी पे, ज़ियारत पे, मशहूर व मारूफ, जिसका हम बचपन से देखते चले हैं। मेरा भी पहली दफ़ा है ये। अच्छा जी, ये हमारे कायदे आज़म की आखिरी दिनों की आरामगाह, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। अभी तक हमने जो है करेंसी नोट्स पे तस्वीर देखी थी, तो आज हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। अभी और ये देखें, पहाड़ों से घिरी हुई वादी है ये, तो कायदे आज़म ने इसको बड़ा पसंद फरमाया, इसको तबाह कर दिया गया था। भाई तस्वीर हो जाए कायदे आज़म के साथ, सांझी अपनी खुशियां। बड़ा वाले सैल्यूट होना चाहिए, बड़ा वाले सैल्यूट, फौजी की तरह बड़ा, शाबाश। बच्चे जो हैं ईशल, बलिया, यूशा, सकीना, ये सब जो यहाँ पे शूज उतार रहे हैं। हम कायदे आज़म रेजिडेंसी पे जो रिबिल्ड की गई है वहाँ मौजूद है। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जीना, आजादी के दुनिया कोई पैगाम।
तो ये वो प्रेमिसेस हैं जिसमें कायदे आज़म रुके हुए थे सम 60-70 ईयर्स बैक। और ये देखें, ये पूरा, अच्छा यहाँ से बंद है ये, ठीक है। खाने का कमरा, डाइनिंग हॉल है ये, डाइनिंग रूम कह लें, ये फायर प्लेस है। ये दोबारा रिस्टोर की गई है, ये ड्राइंग रूम है, मेहमानों का रूम। अच्छा जी, ये है, हम एंटर हो रहे हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये तारीखी तस्वीर लगी हैं, बाबा बस कराची से इसी वजह से है। तो यहाँ पे जो है कायद आज़म का असिस्टेंट्स जो थे या उनके जो मोतबेद यानी कि एतबार वाले आदमी थे, एतमाद वाले आदमी थे, मोतबेद एतमाद से निकला है, तो वहाँ से ये उनके कमरे हैं। ये मोतबेद जो हैं उनका कमरा उन्होंने खोल के दिया है, ये मोतबेद मोतबेद असिस्टेंट्स या सब जो उनके साथ काम करते थे, वो उनके जो फ्रेंड जो उनके साथ होते थे गवर्नमेंट वगैरह में या जहाँ जो इस वक्त तो जो यहाँ पर कायद आज़म आए थे बीमार थे, लेकिन जो उनके साथ होते थे उनके। ये खाने वाली नहीं, ये फायर प्लेस है, ये बैठने बैठने का कमरा होता होगा। फर्स्ट फ्लोर पे है और ये मेहमानों के सोने का कमरा है और ये कायद आज़म के ज़ाती मुआलिश का कमरा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, तस्वीर ले लें। हाँ, यहाँ तस्वीर, कायद आज़म के ज़ाती इस्तेमाल का कमरा। ये हम लोग कितने ऑनर्ड हैं कि हम कायद आज़म के कमरे के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये रूफ़ है जो पुराने ज़माने में होती थी, और देखें कायद आज़म की तस्वीर है। यहाँ पे कायद आज़म जो है वो आराम किया करते थे, और वो उनके ना उसका डॉक्टर का, नहीं नहीं उधर से यही रूम है। अच्छा, इसलिए होगा ना कि कायद आज़म की कभी तबीयत खराब हो तो वो देख सकते। हाँ, डॉक्टर का कमरा, सही कह रही है। और ये कायद आज़म ताकि वो कायद आज़म अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। उनका कमरा जहाँ पे मादरे मिल्लत फातिमे ज़हरा अपने भाई के साथ उन्होंने टाइम गुजारा। ये बात और है कि इस कौम ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे तो उनकी अभी से फील आ रही है, मतलब नहीं यूज़ किया यार इतना, कितने ऑनर्ड हैं हम लोग इनका बाथरूम वॉशरूम जो भी कह रहे हैं, और हम लोग बहुत ऑनर्ड हैं कि हम यहाँ पे जो है ना उनको विज़िट कर रहे हैं, उनकी जगह को विज़िट कर रहे हैं जी। उनके जो है ना फातिमा जिला साहिबा, और देखिए लाइट वाइट जलती थी ना, पर लाइट वाइट तो होती नहीं थी। अब ये किसका रूम है? तो जनाब, यहाँ से कायद आज़म रेजिडेंसी से हम जा रहे थे ज़ीरो पॉइंट, जिसकी वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह कल दूंगी। आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू।